आज सतगुरुवार, सतगुरु बाप दादा के पास जैसे ही वतन में पहुंची, बाबा ने कहा आओ बच्ची। मैंने कहा बाबा सतगुरुवार का भोग लेकर आई हूँ। बाबा ने अपने पास बिठाया, बहुत प्यार से बाबा दृष्टि भी दे रहे थे। फिर बाबा ने भोग पर दृष्टि डाली, फिर बाबा कहने लगे कि देखो बच्ची सतगुरुवार है, बाबा के पास प्रत्येक बाबा के जो सेवा केंद्र है और उनके सिवाय और भी कई बाबा के बच्चे हैं जिनका भोग बाबा के पास वतन में पहुंचता है। ड्रामा में ये बहुत अच्छा कल्याण समाया हुआ है। जैसे हफ्ते के 7 दिन होते हैं, हर दिन का अपना महत्व है। और सतगुरुवार सतगुरु का दिन है। भक्ति मार्ग में भी जब मनुष्य पूरी जीवन खाना पीना मौज करना, पढ़ाई किया, कुछ पद प्राप्त किया, लेकिन समय आने पर वो गुरु चाहते हैं, क्योंकि समझते गुरु बिना गति नहीं। भविष्य गुरु सुधारेगा, गुरु भगवान से मिलाएगा, क्योंकि अभी भगवान के पास जाने का समय आ रहा है। इस कारण से हर एक को समय आने पर गुरु की आवश्यकता रहती है। और तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, सत बाप सत टीचर सत गुरु एक साथ मिला है। बाबा कहते हैं कि बच्चे बाबा के तो बन गए, बसे पर हक लग गया, पढ़ाई भी पढ़ रहे अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन अब बच्चों को जो फिक्र करनी है सतगुरु को सामने रखकर, वो फिक्र है अपने को पावन बनाने की। क्योंकि बाबा लेने आया
सतगुरु साथ में लेके जाएगा। अगर पवित्र बनने में कमी रह गई तो फिर बाबा का जो रूप है अलग, धर्मराज का राइट हैंड, फिर सजाओं के निमित्त बन जाते। तो बच्चों को बाबा यही इशारा देते, सतगुरु बाबा को सामने रखो, फिक्र करो अपने को पवित्र बनाना, पावन बनाना। जो भी कमी पेशी है उनको जल्दी जल्दी भरना पड़ेगा, और जो भी विकर्म है वो बाबा की याद में भस्म करने हैं। तो वही चिंतन चलता रहे, ये समय का इशारा बाप दादा देते भी हैं और आज भी दे रहे हैं। बाबा के पास भोग आता, डायरेक्ट स्वीकार होता तो बच्चों का जन्म जन्मांतर का भाग्य बनता। भक्ति मार्ग में भी भगवान को भोग स्वीकार कराते, अल्पकाल का सुख कहो, खुशी कहो या प्राप्ति कहो, लेकिन तुम बच्चे डायरेक्ट बाबा को भोग स्वीकार कराते। और एक ही समय है जब बाबा डायरेक्ट भोग स्वीकार करते और बच्चों का सदा काल का भाग्य बनाते। तो ये कि ड्रामा में नूंद है, सातों ही दिन का महत्व है, पर उसमें विशेष ये सतगुरुवार है। तो इसीलिए बाबा बच्चों को यही शिक्षा देते कि सतगुरु को याद करो, सतगुरुवार को सामने रखो, गुरु को सामने रखो। सतगुरु को याद रखने से एक तो अपना ये लक्ष्य रहेगा कि घर जाना है, पावन बनना है, और थोड़ा सा आत्मा को एक भय रहता है क्योंकि गुरु का निंदक ठौर न पाए, ये भी सब जानते हैं। तो इसीलिए सत बाप सत टीचर के साथ सत गुरु को सदैव बच्चे सामने रखे, ये बाबा का इशारा है। ऐसे करते हुए बाबा ने कहा कि देखो बाबा के पास कितने भोग आते हैं, बाबा को भी अच्छा लगता। तो बाबा ने कहा बाबा भोग स्वीकार कर रहे। बाबा ने दृष्टि डाली, ताकत भरी, और जिन आत्माओं के निमित्त भोग था बाबा ने उनको खास खास याद प्यार दिया और कहा कि उन्होंने अपना डबल भाग्य जमा किया है, तो उन बच्चों को विशेष विशेष याद, और बाकी भी सभी बच्चों को बाबा विशेष याद दे रहे। वर्तमान चल रही परिस्थिति में भी अगर सत बाप टीचर सतगुरु याद रहता है तो बच्चों को अनुभव है कि कैसे बाबा चला रहे, मक्खन से बाल निकलता, ऐसे बाबा मदद कर रहे। तो अगर सतगुरु बन सतगुरु के रूप में बाबा को याद करके आत्मा को शुद्ध पावन बनाएंगे तो बहुत सहज बाबा के पास वतन में बाबा के साथ आ सकेंगे। ऐसे करते हुए फिर बाबा ने याद प्यार देकर और फिर वापस भेज दिया। ओम शांति।